आज का दिन हो गया जितना स्वागत होना था, अब ये 6 महीने सिर्फ और सिर्फ काम पे है। आज का दिन हो गया एक ये होर्डिंग लगाने का, आज के बाद अगर किसी जिले में जाएंगे तो वहां होर्डिंग लगा होना चाहिए कि 2013-14 में राजस्थान को रेल में बजट मिला था 650 करोड़ और अभी 2023-24 में मिला 9500 करोड़। हमें होर्डिंग इस बात का लगाना है कि इन 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने वाला, आज 33 में से 30 जिलों में मेडिकल सरकारी कॉलेज खुले हैं, आज 15, 22 और 23 मेडिकल कॉलेज देने वाला कोई सरकार है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मित्रों, में होर्डिंग इस बात का लगाना होगा कि 500 वर्षों से जिस राम मंदिर की हम कल्पना कर रहे थे कई पीढ़ियां बीत गई, हमें होर्डिंग लगाना उस बात का। आज देश नहीं दुनिया का, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कोई बन रहा है तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मित्रों, आज जब भी किसी जिले के प्रवास पे जाए, जहां कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के साथ जितने हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए उससे ज्यादा मां की रक्षा में शहीद हो गए। लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटाओगे तो देश में जलजला मच जाएगा, लेकिन दिल्ली में जब 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हो और मजबूत यकीन वाले गृह मंत्री हो तो धारा 370 कश्मीर में हट गई। मित्रों, हमें होर्डिंग लगाना इस बात का। मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने राजस्थान में युवाओं के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने किसानों के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिस सरकार ने अभी बारिश ओलावृष्टि होने के बावजूद कोई गिरदावरी किसान के खेत पर नहीं कराई, किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं? क्या उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिस सरकार ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करके, आपको आश्चर्य होगा ये कन्हैया लाल की गर्दन नहीं काटी, ये राजस्थान सरकार की गर्दन कटी है मिश्रा। और को आपका आश्चर्य होगा राजस्थान के जिन मित्रों ने उन हत्यारों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, आज वो साथी, वो जाबाज साथी जब राजस्थान के हुक्मरानों के पास जाकर कहते हैं कि हमें धमकियां मिल रही है हमें बचा लो, तो हुक्मरान कहते हैं कि तुमने किससे सौगंध दिलाई थी उनको पकड़ने की, वो आज उनको जान का खतरा है। राजस्थान की सरकार कान खोल कर सुन लो, अगर खरोच भी आ गई तो बहुत गंभीर मामला होगा। मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप और हम सब लोग मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें जो सरकार किसान विरोधी है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें जो युवा विरोधी है। तैयार है हम सब लोग? तैयार है?